नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उन्होंने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया खातों की DP यानी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी और उसकी जगह तिरंगा लगा दिया और लोगों से भी ऐसा करने की अपील की। उनके आग्रह के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो DP बदल दी, लेकिन BJP के मातृ संगठन RSS के ट्विटर हैंडल में ऐसा बदलाव नहीं देखा। विरोधियों ने इसी को लेकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री पर तंज कसे और उन्हें इसकी चुनौती तक दे डाली कि वो RSS और उनके पदाधिकारियों की DP बदलवाएं व तिरंगा लगवाकर दिखाएं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास BV ने RSS के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें तिरंगा नहीं दिखता है बल्कि RSS और उसका भगवा झंडा दिखता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं, उनके दिल में तिरंगे का कोई सम्मान नहीं। इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी ने लिखा, यदि सच में मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं तो वो RSS और उनके पदाधिकारियों की DP में तिरंगा लगवा कर दिखाएं। हर घर तिरंगा अभियान में RSS के पदाधिकारियों ने तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाई। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की DP लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? दिलीप मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत को टैग करते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी भागवत की DP बदलवाकर तिरंगा लगवाएं। बता दें, लोगों ने ये चुनौती ऐसे ही नहीं दी है, RSS तिरंगा पर अपनी राय को लेकर सुर्खियों में रहा है। दरअसल आरोप लगता रहा है कि RSS कुछ साल पहले तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराता था। आज़ादी के 75 साल होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने अलग अलग कार्यक्रमों के बीच सोशल मीडिया की डिस्प्ले पिक्चर यानी कि DP में तिरंगा लगाने की मुहिम भी शुरू की है। ऐसा करने की अपील PM मोदी ने की थी। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की DP में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई है, जिसमें उन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा, देश की शान है तिरंगा, हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इसके अलावा कुछ लोग BJP से उनके सावरकर, गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के हाथ में तिरंगा वाली पिक्चर लगाने की चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की DP लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? देश के 17 विपक्षी दलों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक करार देते हुए इसे नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ED समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को कई गैर जरूरी अधिकार भी मिल गए हैं। इस पर देश में लंबे समय से तमाम चिंता जता रहे थे, लेकिन 17 विपक्षी दलों ने बुधवार को मुखर होकर इसकी आलोचना की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, CPM, समाजवादी पार्टी और RJD समेत बाकी अन्य दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि खतरनाक फैसला अल्पकालिक होगा और संवैधानिक प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। बता दें, 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA अधिनियम के 2019 संशोधन पर याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए कहा था कि ED के अधिकार बरकरार रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने PMLA के तहत गिरफ्तारी, जमानत, संपत्ति की जब्ती के अधिकार की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए BJP के पूर्व सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो को कैबिनेट मंत्री बनाया है। बाबुल सुप्रियो के अलावा स्नेहशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार, तजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भी बिप्लव रॉय चौधरी को स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बनाया गया है और वीर वहा को भी स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बनाया गया है। दिल्ली पुलिस का छापों को लेकर दोहरा मापदंड लगातार सामने आ रहा है। बंगाल पुलिस का कहना है कि कोर्ट वारंट होने के बावजूद भी उन्हें दिल्ली में तलाशी अभियान चलाने से रोक दिया गया। सारा मामला झारखंड सरकार को घिराने की कोशिश में जब्त की गई कैश बरामदगी से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल CID ने बुधवार 3 अगस्त को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उनकी टीम को नकदी जब्ती मामले में झारखंड के 3 गिरफ्तार विधायकों में से एक से जुड़ी संपत्ति पर राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में तलाशी अभियान चलाने से रोक दिया। बता दें, झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक कार से 49 लाख नगद जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था।
बाद में झारखंड के वकील राजीव कुमार से भी कोलकाता में ही 50 लाख कैश बरामद किया गया। इन विधायकों पर आरोप है कि ये लोग झारखंड में सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल थे। असली शिवसेना किसके पास है, इसको लेकर आज एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई, जिसके बाद अब कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2/3 विधायक हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाइए या अपनी नई पार्टी बना लीजिए, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2/3 ये नहीं कह सकते हैं कि वो ही असली मूल पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 इसकी अनुमति नहीं देता है। इस पर CJI एनवी रमना ने कहा कि आपके अनुसार उन्हें BJP में विलय करना होगा या उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी और इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करानी होगी। इस पर सिब्बल ने कहा यही एकमात्र बचाव संभव है। सिब्बल ने कहा कि उनका तर्क है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत को 10वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी भी प्रकार का विभाजन 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। सिब्बल ने कहा कि आज जो किया जा रहा है वो 10वीं अनुसूची का इस्तेमाल दल बदल को प्रोत्साहित करने के लिए करता है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो बहुमत का उपयोग किसी भी सरकार को गिराने के लिए किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने एकनाथ शिंदे गुट को लेकर कहा कि अगर वो दल बदलू हैं तो फिर बाद में की गई सभी कार्यवाही अवैध हो जाती है, जैसे अध्यक्ष का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, सदन की कार्यवाही सभी। इसके अलावा ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उनके लिए उपलब्ध एकमात्र बचाव दूसरी पार्टी में विलय है और इसका वो दावा नहीं कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून को ताक पर रख दिया जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून सदस्यों को लॉक करने के लिए उन नेताओं के लिए हथियार नहीं है जो संख्या खो चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील हरीश सालवे ने उद्धव के अपने विधायकों से न मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बड़ी संख्या में विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस पर CJI एनवी रमना ने कहा लेकिन क्या आप ये कहकर नई पार्टी बना सकते हैं कि नेता आपसे नहीं मिल रहा है। जिस पर सालवे ने कहा कि हम पार्टी में ही हैं, हम पार्टी के भीतर असंतुष्ट सदस्य हैं। एकनाथ शिंदे का पक्ष रखते हुए वकील सालवे ने कहा कि हम सब एक ही राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी का नेता कौन है। सालवे ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू होगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी हो, यहाँ तो नेता बदलने की बात कर रहे हैं। इस पर CJI एनवी रमना ने कहा कि आपने चुनाव आयोग का रुख क्यों किया है। इस पर एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा आगामी चुनाव हैं और चुनाव चिन्ह किसको मिले इसके लिए। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि BSP ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में एक और पदक आ गया है। अब वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। उन्होंने 163 किलोग्राम और 192 किलोग्राम वजन उठाया, यानी कुल 355 किलोग्राम का वजन उठाया। इसी के साथ उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची। चीन इससे पहले लगातार कह रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। चीन ने सैन्य टकराव की भी धमकी दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। पेलोसी ने उन्हें भरोसा दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है, हम यहाँ अमेरिका ताइवान दोस्ती के तहत आए हैं। अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बीच ताइवान का आरोप है कि 20 से अधिक चीनी सैन्य विमानों ने मंगलवार देर रात को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी है। जैसे ही US हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में उतरा, चीन के फाइटर विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। बता दें, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान का दावा है कि वो एक स्वतंत्र द्वीप है। वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले अमेरिका ने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 4 अमेरिकी वॉरशिप ताइवान के पूर्व में तैनात किए। अमेरिका ने इसको हालांकि नियमित तैनाती बताया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने की कोशिश में कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। वो ताइवान में अलगाववादियों की आज़ादी की मुहिम को हवा दे रहा है। अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है और ये बहुत ही खतरनाक है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे।
इसके अलावा चीन ने पड़ोसी के ताइवान पहुंचने के बाद कई सैन्य अभ्यास की घोषणा की। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने फाइटर जेट और युद्ध पोतों की तैनाती की है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने कहा कि वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में 4 से 7 अगस्त तक लाइव फायर सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, जो सभी दिशाओं से ताइवान के द्वीप को घेरता है। इसके अलावा सैन्य अभ्यासों के अलावा चीन ताइवान के सैन्य ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान दौरे पर पहुंची अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका की ताइवान के साथ एकता महत्वपूर्ण है और हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिस पर मुझे गर्व है, ताइवान आया है, जिससे ये साफ है कि हम ताइवान से किए अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे और हमें हमारी पक्की दोस्ती पर गर्व है। अब ताइवान के साथ अमेरिका की एकता पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यही संदेश हम आज यहाँ लेकर आए हैं। बता दें, बीते 25 सालों में पहली बार कोई शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को ताइवान के संसद में कहा कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहने का वादा किया। ताइवान एक फलता फूलता लोकतंत्र है। इसने दुनिया को साबित कर दिया है कि आशा, साहस और दृढ़ संकल्प से चुनौतियों के बावजूद शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अब ताइवान के साथ पहले से कहीं अधिक अमेरिका की एकजुटता महत्वपूर्ण है। यही संदेश हम लेकर आए हैं। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग्वेन ने बुधवार को अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इस महत्वपूर्ण समय में ताइवान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि द्वीप सैन्य खतरों के सामने पीछे नहीं हटेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।